Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Accountancy Mock Test Part 33 and we are going to cover next 25 questions on accountancy. From question number 801 to question number 825. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom Entrance Exam, MCom Entrance Exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज मेड फॉर द। जब किसी पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय जो रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट बनाया जाता है वो किसके लिए बनाया जाता है, मतलब जब भी किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसके एडमिशन से जस्ट पहले जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज को वो रिवैल्यू करते हैं। ये किसके लिए अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है बेनिफिट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स हु सेक्रीफाइस देयर शेयर इन प्रॉफिट। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। तीसरा ऑप्शन है बेनिफिट फॉर ओल्ड पार्टनर्स और चौथा ऑप्शन है बेनिफिट फॉर न्यू पार्टनर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स। देखिए न्यू पार्टनर्स के लिए क्यों बेनिफिशियल है ये, क्योंकि जो पुराने पार्टनर्स हैं अगर उनके ऊपर कोई लायबिलिटी है तो पुराने पार्टनर के ऊपर ही रह जाती है, नए पार्टनर के ऊपर नहीं आती है, ठीक है। तो इससे नए पार्टनर्स के लिए बेनिफिशियल हो जाता है कि उनकी, मतलब अगर वो बिजनेस में उनका एडमिशन होता है तो उनके ऊपर कोई लायबिलिटी आती, मतलब बिजनेस में को ज्वाइन करते ही नहीं आ जाती। तो इससे कहीं ना कहीं नए पार्टनर का भी फायदा हो रहा है। पुराने पार्टनर्स ये सोचते हैं कि भैया हमने जो मेहनत किया है हम अपना मेहनत नए पार्टनर को क्यों दें, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसमें अगर कोई प्रॉफिट का हिस्सा होता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स आपस में बेयर कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, म्यूचुअल बेनिफिट फॉर ओल्ड एंड न्यू पार्टनर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 3:2। जो दो पुराने पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर टू बी सेक्रीफाइस बाय ए। सी जो है वो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और उसका जो शेयर है वो ए उसको सेक्रीफाइस अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करके देगा। द न्यू रेशियो शैल बी, और नया रेशियो क्या होगा ए बी सी का। वी हैव फोर ऑप्शन। पहला ऑप्शन है 1:1:1, दूसरा ऑप्शन 2:2:1, तीसरा ऑप्शन 3:2:1 और चौथा ऑप्शन 5:4:3। क्वेश्चन में वापस रिपीट करूंगा, क्वेश्चन कह रहा है कि पुराने दो पार्टनर्स थे ए और बी जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 था, एक नया पार्टनर सी एडमिट हो रहा है बिजनेस में जो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और सी का जो शेयर है वो ए अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करेगा। अब नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2:2:1। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिक्रीज इन असेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी शोन इन। हम किस अकाउंट में डिक्रीज इन असेट्स दिखाते हैं और इंक्रीज इन लायबिलिटी दिखाते हैं, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है करंट अकाउंट, दूसरा ऑप्शन है डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तीसरा ऑप्शन है क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या करते हैं, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी शो करके दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द कैश बॉट एज गुडविल बाय अ न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन। जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में उसका अगर एडमिशन हो रहा है और वो गुडविल लेकर के आ रहा है कैश के फॉर्म में, तो ये जो गुडविल नया पार्टनर कैश के फॉर्म में लेकर के आ रहा है तो इस कैश को पुराने पार्टनर्स में किन रेशियो में डिवाइड करेंगे, ठीक है। आई जस्ट होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है गुडविल को कैश के फॉर्म में लेकर के आ रहा है, तो ये जो नया पार्टनर कैश लेकर के आता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल, ये जो कैश का पैसा होगा वो पुराने पार्टनर्स में किस रेशियो में डिवाइड होगा। देयर आर फोर ऑप्शंस। पहला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दूसरा है ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, तीसरा ऑप्शन है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और चौथा कह रहे हैं गेनिंग रेशियो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे ना उनमें ये बटेगा।
सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही बटेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट इज, रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? वी हैव थ्री ऑप्शंस, वैसे तीन ही टाइप के तो अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। हमारे तीनों ऑप्शन है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज कॉल्ड, जो फिक्स्ड एसेट है उसकी अगर वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेप्रिसिएशन बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन लॉस बोलते हैं, तीसरा ऑप्शन एक्सपेंसेस बोलते हैं और चौथा ऑप्शन प्रॉफिट बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन। जब भी फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट विल बी बेयर बाय, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस है वो कौन बेयर करता है? ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है ओल्ड पार्टनर्स, दूसरा ऑप्शन है न्यू पार्टनर्स, तीसरा ऑप्शन है ऑल पार्टनर्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, ओल्ड पार्टनर्स। जो प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनाया जाता है वो ओल्ड पार्टनर्स बेयर करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, मतलब इसे हम क्या बोलते हैं? इट्स अ लॉस। पहला ऑप्शन है क्या इसे हम लॉस कहते हैं अगर आपकी लायबिलिटी कम होती है, दूसरा क्या है इट्स अ प्रॉफिट, तीसरा ऑप्शन है हमारा एक्सपेंसेस और चौथा ऑप्शन है हमारा गेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉफिट। अगर हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन नॉन बैंकिंग आर। अब मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जब कंपनीज एक्ट आया था 1932 में तो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात नहीं की गई थी उसमें। जो सबसे पुराना फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था वो सोल ट्रेडर था, उसकी कुछ शॉर्टकमिंग्स थी, उसकी कुछ लिमिटेशंस थे, जिसकी वजह से पार्टनरशिप आया। और पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में, पार्टनरशिप एक्ट में नंबर ऑफ मेंबर्स की बात नहीं की गई थी। फिर नंबर ऑफ मेंबर्स की बात किसमें की गई थी? नंबर ऑफ मेंबर्स की बात की गई थी कंपनीज एक्ट 1956 में। कहा गया था कि जो पार्टनरशिप बिजनेस है उसमें मिनिमम कितने होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे मेंबर्स? मिनिमम दो मेंबर्स होंगे, मैक्सिमम 10 इन बैंकिंग बिजनेस एंड 20 इन नॉन बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, उसके बाद जाकर के कंपनीज एक्ट 2013 आया, जिसके सेक्शन 464 में साफ साफ ये बात बोला गया है कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस विल बी 2 एंड मैक्सिमम नंबर विल बी 100, इररिस्पेक्टिव कि आप बैंकिंग बिजनेस करते हो या कोई भी बिजनेस करते हो। आई जस्ट होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ये जो सवाल पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स नॉन बैंकिंग बिजनेस में कितने होंगे, ऑप्शन है 20। जब देखिए कंपनीज एक्ट नहीं पूछा, कंपनीज एक्ट का नाम नहीं दिया, तो हम 1956 ही लेकर के चलेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर 2000 साफ साफ बोला है तो 2013 के हिसाब से बोलेंगे, और अगर कुछ नहीं बोला है तो हम 1956 के हिसाब से लेकर के चलेंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन वहीं पे है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है। देखिए तीन तरीके के अकाउंट होते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? इट्स अ पर्सनल अकाउंट, इट्स अ रियल अकाउंट, इट्स अ नॉमिनल अकाउंट और नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्सनल अकाउंट। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट है? वो पर्सनल अकाउंट है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी इज, जो मिनिमम शेयर एप्लीकेशन मनी है वो कितना है? ₹2 पर शेयर, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स या 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। ये मिनिमम है, आपको चार्ज करना ही पड़ेगा, इससे कम आप ले नहीं सकते। ठीक है, और ये भी पुराने जमाने की बात है जहां पे एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की बात होती थी। आज के जमाने में जब शेयर खरीदते हैं तो आपको पूरा पैसा एक बार में देना पड़ता है, लमसम में देना पड़ता है, तभी आपको शेयर मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे आप प्राइमरी मार्केट की बात करो या सेकेंडरी मार्केट की बात करो, चाहे आप इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की भी बात करो, तो आपको पूरा पेमेंट एक बार में करना पड़ता है। लेकिन पहले जिस हिसाब से हम पढ़ रहे हैं अपनी अकाउंटिंग, उस हिसाब से बोला गया कि मिनिमम जो शेयर एप्लीकेशन में पैसा कंपनी मांगेगी वो एटलीस्ट 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स होना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, द मैक्सिमम शेयर एप्लीकेशन मनी कैन बी, जो शेयर एप्लीकेशन मनी है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? ठीक है, पहला ऑप्शन है फुल इश्यू ऑफ
प्राइस ऑफ शेयर्स, फुल इशू प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है, मतलब शेयर की जो फेस वैल्यू है पूरी प्राइस है, वो पूरा का पूरा आपसे एप्लीकेशन में ले सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, तीसरा कह रहे हैं 50% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स, और चौथा कह रहे हैं 20% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, फुल इशू ऑफ प्राइस ऑफ शेयर्स। आप पहली बार में पूरा पैसा ले सकते हैं, मैक्सिमम जो शेयर एप्लीकेशन का मनी है, इट कैन बी फुल इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा नॉमिनल शेयर कैपिटल इज, नॉमिनल शेयर कैपिटल किसे कहते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है द पार्ट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल विच इज इश्यूड बाय द कंपनी। दूसरा ऑप्शन है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच इज एक्चुअली अप्लाइड फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर्स। तीसरा ऑप्शन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, और चौथा कह रहे हैं द अमाउंट एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, ठीक है। नॉमिनल शेयर कैपिटल क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इज, जो डिस्काउंट दिया जाता है शेयर को इशू करने के टाइम, वो कौन सा लॉस होता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला है इट्स अ कैपिटल लॉस, इट्स अ रेवेन्यू लॉस, इट्स अ ट्रेडिंग लॉस, और इट्स अ स्पेक्यूलेटिव लॉस। तो जब हम शेयर इशू करते हैं और उस टाइम जो लॉस होता है, उस लॉस को हम कंसिडर करते हैं एज अ कैपिटल लॉस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर इज अ कैपिटल लॉस। अगला क्वेश्चन है हमारा शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड, शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। जिन जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, अरे प्रेफरेंस नहीं होता तो प्रेफरेंस शेयर्स कैसे बोलेंगे, डिफर्ड शेयर्स और राइट शेयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा उसे हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं। देखिए शेयर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, या तो इक्विटी शेयर होगा या तो प्रेफरेंस शेयर होगा। जो इक्विटी होगा वो प्रेफरेंस नहीं होगा, जो प्रेफरेंस होगा वो इक्विटी नहीं होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते तो क्या होते हैं, वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए इक्विटी शेयर्स है। बहुत तेज बोले हैं लगता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी, दूसरा ऑप्शन कस्टमर्स ऑफ द कंपनी, तीसरा ऑप्शन ओनर्स ऑफ द कंपनी, चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो ध्यान से समझिएगा, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है, मुझे भी कंफ्यूजन था कुछ समय पहले, मैंने अपने सर से कंफर्म किया था कि क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर तो एक हिसाब से ओनर्स होते हैं, तो लेकिन सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी का ओनर कहा गया है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। वो कंपनी के लिए एक हिसाब से लायबिलिटी बन जाती है, उनको पहले पे ऑफ करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अगला क्वेश्चन है हमारा अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर डज नॉट हैव अ राइट टू, वी हैव फोर ऑप्शन। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास इन में से कौन सी राइट नहीं होती है? डज नॉट हैव अ राइट टू, डज नॉट हैव अ राइट टू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इनमें से कौन सी राइट नहीं मिली है, ठीक है। वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला है प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दूसरा ऑप्शन प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑफ शेयर कैपिटल, तीसरा ऑप्शन वोटिंग राइट्स, और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वोटिंग राइट्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट प्रीमियम देन सच प्रीमियम मे बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ। जब प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया जाता है, रिडीम का मतलब होता है मार्केट, जब ओपन मार्केट ऑपरेशन से जब हम अपने खुद के शेयर्स वापस खरीद लेते हैं उसे हम रिडीम कहते हैं, ठीक है। वेन प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीम एट प्रीमियम, जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट से रिडीम करती है, खरीदती है वापस प्रीमियम पे, ठीक है, एडिशनल पैसा दे करके। तो ये जो प्रीमियम का पैसा है ये कहां से लिया जाता है, ठीक है। ये फोर ऑप्शंस। पहला कह रहे हैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट, दूसरा है शेयर प्रीमियम अकाउंट, तीसरा है प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स, और चौथा है एनी ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी शेयर प्रीमियम अकाउंट। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट से प्रीमियम का पैसा लिया जाता है और अपना प्रेफरेंस शेयर
क्या किया जाता है, रिडीम किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी फॉर्म, जो कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व का जो ट्रांसफर है वो क्या फॉर्म करता है, क्या वो शेयर फोरफीटेड फॉर्म करता है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर्म करता है, क्या प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट फॉर्म करता है, या कैपिटल रिजर्व फॉर्म करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कैन बी फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिवेंचर्स आर इश्यू सॉरी रिडीम्ड, डिवेंचर्स को हम कैसे रिडीम करते हैं, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला कैश में रिडीम करते हैं, दूसरा ऑप्शन बाय इश्यू ऑफ न्यू डिवेंचर्स, तीसरा ऑप्शन बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, और चौथा एनी ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन कैश, ऑप्शन ए, डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन कैश, डिवेंचर्स आर रिडीम्ड इन कैश, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिवेंचर होल्डर्स आर, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो कौन होते हैं कंपनी के लिए, दे आर द डेटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, और दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो ओनर तो होते नहीं, प्रमोटर भी होते नहीं, डेटर होते हैं या तो क्रेडिटर होते हैं, बेसिकली वो क्रेडिटर्स होते हैं, जो डिवेंचर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, उन्होंने कंपनी को उधार में पैसा दिया है, क्रेडिट पे पैसा दिया है डिवेंचर खरीद करके। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज कंपलसरी टू, जो प्रिपरेशन किया जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वो किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में कंपलसरी है, ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला है सोल ट्रेडर्स, दूसरा ऑप्शन है पार्टनरशिप, तीसरा ऑप्शन है कंपनीज, और चौथा ऑप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कंपलसरी है, ठीक है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो लॉस या नेट लॉस या नेट प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिवाइड किया जा सके, ठीक है, उसके बाद लास्ट में बनता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन है विच असेट इज नॉट अ करंट असेट, इन चारों में से कौन सा असेट करंट असेट नहीं है, ठीक है, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डेटर्स, दूसरा ऑप्शन प्रीपेड एक्सपेंसेस, तीसरा ऑप्शन गुडविल, और चौथा ऑप्शन स्टॉक। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि गुडविल इज नॉट अ करंट असेट, गुडविल इज नॉट अ करंट असेट। अगला क्वेश्चन है हमारा Which reserve is not shown in balance sheet? इनमें से कौन सा रिजर्व बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, ठीक है, पहला है कैपिटल रिजर्व, दूसरा ऑप्शन है सीक्रेट रिजर्व, तीसरा ऑप्शन है रेवेन्यू रिजर्व, चौथा ऑप्शन है शेयरिंग प्रीमियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, सीक्रेट रिजर्व कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता, सीक्रेट रिजर्व कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं किया जाता। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, क्लोजिंग स्टॉक अपियरिंग इन ट्रायल बैलेंस विल बी टेकन टू, जो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में आया है उसे हम कहां लेकर के जाते हैं, वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है क्या हम उसे ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है क्या हम उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, क्या हम उसको ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों में दिखाते हैं या कहीं नहीं दिखाते। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस में अगर क्लोजिंग स्टॉक अपियर हो रहा है तो कहां जाएगा, वो बैलेंस शीट में जाएगा। आई जस्ट होप एंड बिलीव कि ये 25 क्वेश्चन आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको हेल्प करने की। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक कर सकते हैं, वहां पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, वहां पे इंस्टाग्राम में तो आप डायरेक्ट मैसेज पे मुझसे बात भी कर सकते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो बहुत सारे लोग बात करते हैं तो आप भी कर सकते हैं, तो पहले लाइक जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।